तुम बच्चे की तरह सो रहे हैं, नहीं थक जाते हैं। सखाराम की चिंता, सोसाइटी की चिंता, अचार पापड़ की डिलीवरी की चिंता, आराम तो चाहिए ना। अच्छा हुआ टप्पू ने वो गेंदा छाप हेलीकॉप्टर तेल ला कर दिया, मैंने मालिश कर दी तो अच्छा आराम मिला इनको। गुड मॉर्निंग आई। पापा आज अभी तक सो रहे हैं? हाँ, कल रात को इनके सर पे तेल मालिश की थी ना, तो अच्छी नींद आई आज उनको। मैं जगाती हूँ। ठीक हो शाला, सोने देना उनको, वैसे भी उठने के बाद दिन भर भागा दौड़ी और टेंशन। सोने दे, अच्छे सोए। ओके नहीं बात करें। आशी मामा, मामी, वेलकम वेलकम। अरे ताई, भोप्या नहीं का आशुतोष। ए शान्या, मेरे लिए तू भोप्या था और हमेशा भोप्या ही रहेगा, कर लो। या नहीं आप बसा बसा क्या चल रहा ताई? मस्त मस्त पानी। हाँ हाँ, आएगी ना मस्त सरप्राइज? हो, अरे सुंदर मंजे का है। अरे छान सुंदर, वैसे बहुत दिनों बाद याद आई ताई की। हाँ हाँ, पर जैसे याद आई तुरंत आ गए आप लोगों को मिलने। जान के लिए, जान के लिए। हाँ हाँ, थैंक यू। हे सोनू, व्हाट्स अप? ऑल कूल, यू टेल मी। गुड। अच्छा अच्छा, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना है, हम सब आपको लेने आए हैं। कहाँ जा रहे हैं? लोनावला वाटर पार्क। ओ वाओ, मजा आएगा ना? वैसे अचानक अगर ताई, धमाल मस्ती का प्लान तो अचानक ही बनता है ना। अब जीजू, जीजू कुठे? वो सो रहे हैं। क्या, अभी तक सो रहे हैं? आई एम सरप्राइज एंड इनफैक्ट शॉक कि गोकुलधाम के एक कमी और सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े, जिन्हें जल्दी उठने की आदत है, अभी तक सो रहे हैं। चलो चलो, उनको उठाते हैं, हम सबको निकलना है। हाँ, आई बाबा को जगाते हैं ना। अगर नहीं पढ़ा, अरे वो सब काम। ताई, आज काम का कोई बहाना नहीं चलेगा, आज संडे है। हाँ, ही जाते हैं ना, मस्त फ्रेश हो जाएंगे। अरे मॉर्निंग मॉर्निंग भाभी। आओ आओ अंजलि भाभी, आओ आओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये मेरे मामा का लड़का है, भोप्या। मतलब आशुतोष। ये उसकी वाइफ है मधुरा। नमस्ते। और मधुरा की बहन है कस्तूरी। हाय हाय। और ये उन दोनों की बेटी रुचि। हेलो। हाय अंजलि भाभी, इन लोगों ने अचानक लोनावला वाटर पार्क जाने का प्लान किया है, तो हमें लेने आए हैं। अरे माधवी भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप जरूर जाइए, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मुझे प्लीज एक नींबू दे दीजिए। क्या है ना, घर में एक भी नींबू नहीं है और मुझे तारक के लिए नींबू पानी बनाना है। अया एक कशाला अंजलि भाभी, दो नींबू लेकर जाइए। सोनू जरा प्लीज गिव मी। थैंक यू सो मच। ये लीजिए अंजलि आंटी। सो स्वीट, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। चलिए माधवी भाभी, आप लोग खूब एंजॉय कीजिए, घर की चिंता मत करना, शाम को मिलते हैं। यस यस, चलो बाय। थैंक यू, बाय। ताई चल, कजी जी को उठाते हैं। अरे वो सो रहे हैं। अरे नहीं नहीं, सो रहे नहीं, उठा दो, चलो 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 चलो। आशुतोष नहीं करे। चल चल, ऐसे सोए कब? मस्त तो गार्ड सो प्ले जीजू। नहीं नहीं, पर उठवा लगे। बस बस, मैं उठो तो। अरे जीजू, जीजू मैं आशुतोष, कैसे हो? ठीक है जीजू। ये तो बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। मी म्हटलं ना तुला, अगं हो, पण आपल्याला लेट होईल, फिर ट्रॅफिक बढेगा, फिर सारे राइड्स एन्जॉय नहीं कर पाएंगे। हां मी बघते। आहो, मी काय म्हणते, आशुतोष और मधुरा आए हैं। बाबा उठिए ना, हमें लोनावला वाटर पार्क जाना है। बेटा गर्मी में वाटर पार्क नहीं जाना चाहिए। अरे जीजू क्या बोल रहे हो, गर्मी में ही वाटर पार्क जाते हैं। सोनू बेटा तुम समझे नहीं, पानी ठंडा होता है, ऊपर से गर्मी बरसती है, तो ठंडा गर्म मिक्स हो जाता है तो इंसान बीमार पड़ जाता है बेटा। फिर जीजू जाना कब चाहिए, ठंड में? नहीं, ठंडी में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए सोनू बेटा। आहो आशुतोष बोलता है। जो कोई भी बोल रहा हो, लेकिन ठंडी में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए।
एक तो ठंडी, पानी भी ठंडा, तो और प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ जीजू, गर्मी पर नहीं ठंडी पर नहीं, फिर जाए तो जाए कब? बारिश। ठीक है, हम बारिश में जाएंगे। हाँ आशुतोष, बारिश में ही जाते हैं। अगर ताई हमें जुजुला संग तो है, तुला नहीं। अभी हम लोग जाते हैं, चलो चलो। हाँ जाओ या ना, प्लीज वेकेशन है। नहीं, उनको आराम करने दो ना, नो प्रॉब्लम, हम लोग चलते हैं, सोनू को भी आना है। एक मिनट, मैं इनको एक बार पूछ लेती हूँ। एक मिनट, अहो मिकाय म्हणते हम लोग जाके आए क्या वॉटर पार्क? अहो हम लोग जाके आए क्या वॉटर पार्क? हाँ जाके आओ। ठीक है, आप आराम कीजिए। हाँ हम लोग जाके आते हैं। लवकर आटा पता, मैं इनके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। चलो चलो जल्दी करो। कहाँ जाऊँ, मैं तो कहीं जा भी नहीं सकता। भिड़े के गुस्से का तांडव शांत करने की जिम्मेदारी जो मुझ पर है। अंजलि कहाँ चली गई? फ्रेश हो गए? अरे मैं तो फ्रेश हो गया अंजलि, तुम कहाँ चली गई थी भाई? अरे आपके लिए एटीएम स्पेशल मैजिक लेमन जूस बनाना है ना, उसमें नींबू लगता है, और अपने घर नींबू खत्म हो गए थे तो मादी बापे के वहाँ मैं नींबू लेने गई थी। अरे नहीं पीना कोई जूस वो। आपका मूड इतना खराब क्यों है? क्या बताऊं, सुबह से कुछ अजीब ही बर्ताव है आपका। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो असल में वो स्ट्रेस, मैंने बोला था ना, वो जो आर्टिकल लिखना है उसकी डेडलाइन है, तो अब किस विषय पे लिखूं कोई आइडिया नहीं मिल रहा है। अरे आइडिया मिल जाएगा, संडे के दिन तो शांति रखिए। वैसे हमारे लिए संडे क्या और मंडे क्या। अब देखिए ना, मैंने आज इतनी अच्छी रोमांटिक पिक्चर देखने का प्लान बनाया था, पर कोई बात नहीं, आपको आर्टिकल लिखना है ना, आप आर्टिकल लिखिए। सॉरी अंजलि, पर सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है तारक, हमेशा का है आपका। संडे को फंडे नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, पर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके एटीएम स्पेशल मैजिक लेमन जूस बना रही हूँ, उसकी तो कदर कीजिए। अंजलि तुम्हें कैसे बताऊं कि आज भिड़े के गुस्से का ज्वालामुखी फटने वाला है, अगर एक बार उसने देख लिया कि सकाराम सोसाइटी में नहीं है तो ये संडे फंडे की बजाय गम डे में बदल जाएगा। देखा यही प्रॉब्लम है आपकी, मैं कुछ भी कहती हूँ तो आप यूं चुप हो जाते हैं। भिड़े भाई को देखिए। क्या 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 भिड़े ने? भिड़े भाई का परिवार और उनके कजिन की पूरी फैमिली लोनावाला वाटर पार्क में पिकनिक मनाने जा रहे हैं। तुम्हें किसने बताया? माधवी भाभी ने। मैं जब नींबू लेने गई तो उनके घर पे मस्त छुट्टी का माहौल था, बाहर गाड़ी भी खड़ी है बड़ी। कब जा रहे हैं वो? अभी अभी। हाँ अभी थोड़ी देर में निकल ही रहे हैं। भिड़े भी जा रहे हैं उनके साथ? हाँ। पक्का? हाँ। पक्का? क्या पक्का पक्का लगा रखा है तारक, मैं झूठ बोलूंगी क्या? अरे क्या हो रहा है, टेंशन पे डबल टेंशन। अरे भिड़े अभी सोसाइटी कंपाउंड में आएगा, उसके निकलने के पहले जेठालाल सोडियो डॉक्टर हाथी को सोसाइटी से बाहर निकल जाना चाहिए था, क्या पता वो निकले कि नहीं। मेहता साहब फिर डूब गए अपने ख्यालों में, क्या सोच रहे थे? अरे जूस जूस, अरे जूस के बारे में सोच रहा था भाई, तुम नींबू लाई हो जूस बना रही हो, कब से बातें किए जा रही हो अंजलि। अरे मेरे स्वामी, जूस के लिए तो अभी गई और अभी लाई। जल्दी खड़ी तो खड़ी है, मैंने भेड़े अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहा, अभी नीचे आएगा तो धमाल शुरू हो जाएगा सखराम ना देख के। अरे ये जेठालाल चोरी डॉक्टर हाथी अभी तक घर में क्या कर रहे हैं, गए क्यों नहीं? बोलो बोलो मेहता साहब। एक मिनट छोड़ी, तुम होल्ड रखो, मैं डॉक्टर हाथी को कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ। हाँ ले लो। हाँ बोलिए मेहता साहब। डॉक्टर हाथी एक मिनट होल्ड रखो, सोडी ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस पे है, मैं जेठालाल को कॉन्फ्रेंस पे ले रहा हूँ। बहुत लेट हो गया, 8:30 बजे तो निकल जाना था। हाँ मेहता साहब बोलिए। अरे क्या बोलो यार, यहाँ पे युद्ध के प्रारंभ होने का शंखनाद होने वाला है, आप लोग अभी तक घर में क्या कर रहे हो? शंखनाद क्या बोल रहे हैं आप? हाँ अरे मैं ये के... तारक तारक कहाँ गए? आया 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 कहाँ?
कहाँ चले गए थे? यही 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 टहल रहा था। लीजिए एटीएम स्पेशल जूस पीजिए और अपना मूड ठीक कीजिए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक काम करो ना अंजलि, एक ग्लास और लाओ ना जूस। हाय क्या बात है, आप ही पहला खत्म कीजिए, मैं दूसरा लेकर आती हूँ। नहीं ये तो मैं पीऊंगा ही, लेकिन क्या मतलब इतना खूबसूरत दिख रहा है कि मुझे लग रहा है दो ग्लास एक साथ पी जाऊं। सच्ची? हाँ। अभी गई अभी लाई। वेरी गुड। हेलो। अरे क्या हेलो मेहता साहब, ऐसे टेंशन के टाइम में आप जूस पीने काम बैठे हैं? हाँ जूस तो अभी आप लोगों का निकलने वाला है, भिड़े आ रहा है नीचे। ये क्या बोल रहे हैं मेहता साहब आप? हाँ सही बोलता हूँ, भिड़े अपने परिवार के साथ लोनावला जा रहा है, आ रहा है अभी नीचे आ ही रहा है। बाहर देखो गाड़ी खड़ी है। अरे हाँ गाड़ी तो खड़ी है। तेरी ये तो लोचा हो क्या? लोचा तो आप लोगों ने किया है, फंस मैं गया हूँ। मैं क्या हुआ था कि आप तीनों जल्दी से तैयार होकर सुबह सोसाइटी से बाहर निकल जाएंगे, पर नहीं आप लोगों को तो संडे की नींद एंजॉय करनी थी। अरे मैं तो कब से तैयार हूँ मेहता साहब, ये छोटी देर से उठा। ओ पाजी नींद नहीं खुली, सॉरी। जीठा भाई मैं भी कब से तैयार बैठा हूँ। अरे तो तैयार थे तो फिर निकले क्यों नहीं? मैजिक जूस का डबल डोज। कौन सा जूस है मेहता साहब? मेहता साहब मत बताना मत बताना। क्यों जीठा भाई? अरे क्यों क्या हाथी भाई, ये कोई वक्त है जूस के बारे में बात करने का? हेलो किसे बात कर रहे हैं? अरे वाह आज सुबह से वो आर्टिकल का टेंशन चल रहा है ना, तो मैं क्या आर्टिकल लिखूं, वो डिस्कशन तो ऑफिस में बातचीत कर रहा था, कुछ लाइंस डिस्कस कर रहे थे। एक काम करो ना अंजलि, एक ग्लास और जूस बना के लेके आओ। पर ये दो तो पहले खत्म कीजिए। तुम समझ नहीं रहे हो अंजलि, इसकी खुशबू आ मुझे लग रहा है मैं एक पीऊंगा उसके बाद दूसरा पीऊंगा फिर तीसरा लगातार पीता रहूंगा, इसलिए एक ग्लास और ले आओ। ओह माय गॉड अभी लेकर आती हूँ मेरे स्वामी। हेलो। हाँ मेहता साहब अभी बोलो अभी क्या कर रहे हैं? हाँ क्या करें क्या, बुक तो आप। अरे भाई ये तय हुआ था ना कि 8:30 से पहले आप लोग तीनों सोसाइटी से बाहर चले जाएंगे, लेकिन आप लोग गए नहीं तो बुक तो। नहीं नहीं मेहता साहब ऐसा मत बोलिए, देखिए आप ही हमारे तारणहार हो। हाँ मेहता साहब तुसी कुछ कर सकते हो, प्लीज करो कुछ। सही बात है मेहता साहब, आप लेखक हैं, सोचिए सोचिए कोई ना कोई धांसू आईडिया आपको सूझ जाएगा। हाँ हाँ फिलहाल एक काम कीजिए, आप तीनों अपने अपने घर में जाइए और घर से बाहर मत निकलना, घर में ही रहना। हाँ हाँ मैं घर में ही जा रहा हूँ। मैं भी। मेहता साहब घर के अंदर आ गया, अभी मैं आ गया घर में। अब क्या भगवान से प्रार्थना करो कि ईश्वर मुझे कोई ऐसा आइडिया दे दे ताकि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे भिड़े की नजर सखराम पे ना पड़े। ओ मेहता साहब तुसी बिल्कुल भी फिक्र ना करो, हम लोग अभी फुल स्पीड में प्रेस करना शुरू कर देते हैं, है जेठापरा? ओके हाथीपरा? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ एक विशेष बात, जब तक मैं आप लोगों को न कहूँ कोई भी अपने घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखेगा। अरे सवाल ही नहीं उठता मेहता साहब। ठीक है चलो। अच्छा मेहता साहब देखिए कुछ भी करके हमारी नैया को डूबने मत देना, उसे कैसे भी करके किनारे तक पहुँचा ही देना प्लीज। हाँ मेहता साहब प्लीज। हाँ हाँ भाई कोशिश करूंगा। ओ ना जी ना मेहता साहब कोशिश नहीं। अरे छोटी बराबर है भाई, वो कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। बराबर। हाँ चलो सॉरी हाथी भाई अभी हम लोग फोन रखते हैं ताकि ये मेहता साहब मिशन सखारम के लिए फ्री हो जाए। ओके मेहता साहब ऑल बेस्ट है, ऑल बेस्ट, ऑल द बेस्ट मेहता साहब, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट मेहता साहब। हां ठीक। ओहो अभी मेयर करना, हे भगवान जल्दी से कुछ आइडिया दो। एटीएम स्पेशल मैजिक जूस ट्रिपल डोज। अरे सोच रहे दो भाई, सोचिए तारक, मैं सोचने के लिए कहाँ मना कर रही हूँ, पर मैं तो कह रही हूँ कि जूस पी के सोचिए तो अच्छी सोच आएगी। अंजलि प्लीज। ऐसा क्या करूँ कि भिड़े का ध्यान जहाँ सखारम पार्क होता है उस जगह की ओर जाए नहीं। अहो अहो हम लोग जा रहे हैं सोनू और मैं वॉटर पार्क, नाश्ता बना के रखा है, खा लेना याद से। हाँ
आहो। ओ, 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 ओ। और रात तक हम लोग वापस आ जाएंगे। हाँ बाय बाय। मिस्टर मेहता ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ आपके कहने पे मैंने इतनी मेहनत से एटीएम स्पेशल मैजिक जूस बनाया और आप एक पी ही नहीं रहे। देखिए तारक ये जूस बिगड़ेगा ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। और याद रखिए जब किसी पत्नी को गुस्सा आता है ना। अरे एक मिनट यार लाओ। जा रहा हूं मैं। कहाँ जा रहे? अरे भाई आइडियाज नहीं आ रहे, ताजी हवा में जा रहा हूँ ताकि कुछ फ्रेश आइडियाज आ जाए। पर बता तो जाइए मेरी जूस में मैजिक है ना। आई काको ऐसा पहली बार हुआ है ना कि बाबा ने अभी तक सुविचार नहीं लिखा। हाँ आज उनका आराम करने का दिन है बस तो सोएंगे आज। अरे चलो चलो जल्दी। चलो गणपति अप्पा। एक्सरसाइज किया करो सुबह सुबह एक्सरसाइज किया करो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। गाड़ी गई बिड़े को पता ही नहीं चला। सखाराम पे ध्यान ही नहीं गया। भगवान आपके घर दे रहे अंधेर नहीं है चमत्कार हो गया। वाह बच गए मेरे दोस्त बच गए। एक खुशखबरी सुनाता हूँ उन लोगों को मजा आ जाएगा सबको खुशखबरी सुन के मजा आ जाएगा। नहीं, नहीं, इतना बड़ा टेंशन दूर हुआ है तो थोड़ी बहुत मस्ती तो बनती है। हेलो। हाँ जी हेलो। अरे क्या हेलो सब कुछ हिल गया है यहाँ पे जल्दी से नीचे आओ आप लोग तीनों। क्या हुआ क्या मता साहब? अरे वही हुआ है जो नहीं होना चाहिए था जेठालाल। अरे भिड़े को इतना जबरदस्त सदमा लगा है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। क्या क्या की? अरे जल्दी से नीचे आ जाओ और संभालो भिड़े डंडा लेके ढूंढ रहा है आप तीनों को। बहुत डंडे खाने वाले हैं आप लोग। मैंने मुझे डंडे नहीं खाने। नहीं नहीं आप तो खाइए ना आती भाई आप तो खाने के बड़े शौकीन हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे मेहता साहब ये क्या बोल रहे हैं आप तो पूरा मामला संभालने वाले थे ना ये क्या हो गया? अरे नहीं संभला ना जेठालाल क्या करूं नहीं संभला। जल्दी से नीचे आ जाओ वो डंडा लेके ऊपर आ सकता है। नहीं नहीं ठीक है ऐसे आ रहे हैं। हाँ मेहता साहब उसको ऊपर मत आने देना हम लोग नीचे आ रहे हैं। आप लोग आ रहे हैं ना छोटी हाथी भाई? हाँ जी हाँ आ रहे हम लोग आ रहे हैं। भाई का बजा हुआ ना टेंशन मुझे अकेला छोड़ के जा रहे थे। कहाँ है मेहता साहब कहाँ भिड़े कहाँ? डर गए? अरे डरो मत भिड़े गया। कितने गया? अरे लोनावाला वाटर पार्क गया। मेहता साहब देखिए आप मजाक मत कीजिए मेरा दिल धक धक की बजाय दिल धड़क धड़क धक धड़क धड़क धक धड़क धड़क धक कर रहा है। अरे डॉक्टर हाथी मजाक तो मैं फोन पे कर रहा था आप लोगों को डराने के लिए। अरे चमत्कार हो गया चमत्कार। जिस वक्त मैं घर में था क्या करूं क्या न करूं इस असमंजस में था उसी वक्त मैं बाहर आया क्या देखता हूं कि गाड़ी में बैठ के भिड़े चला गया। गाड़ी गई जूम चला गया भिड़े लोनावला वाटर पार्क गया। और उसने शखरम को देखा ही नहीं। जेठालाल अगर देखा होता तो वो जाता क्या? मैं क्यों नहीं देखा? सुबड़ी डॉक्टर आती जेठालाल आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया जहां सखाराम पार्क होता है गाड़ी ठीक वहीं पे खड़ी थी और भिड़े ने उत्साह उत्साह में इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि सखाराम में नहीं है निकल गया वो। मेहता साहब आप सच में सच ही बोल रहे हैं ना? अरे भाई हाँ मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। क्या कर रहे नहीं सपना नहीं हकीकत है हकीकत। मेहता साहब
आप फिर से कोई मजाक नहीं कर रहे ना सच में? जेठालाल मैं मजाक क्यों करूंगा भाई, तुम लोगों से ज्यादा टेंशन में तो मैं था कि मैं भिड़े को संभालूंगा कैसे। अब देखो मेरी खुशी देखो, अरे भाई मैंने खुद अपनी आंखों से गाड़ी को जाते हुए देखा है, चमत्कार हो गया। भिड़े चला गया लोनावला, टेंशन दूर हो गया, बल्ले 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 बल्ले। इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में मेरा और मेरे दोस्तों का यही मूड है कि भिड़े लोनावला चला गया, लेकिन हम लोग इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि भिड़े अपने घर में आराम से सो रहा है। और मैं तुझे कहूंगा कि भिड़े नहीं सो रहा है बल्कि एक शेर सो रहा है, और ये शेर जब जागेगा और उसे पता चलेगा कि सखाराम गायब है तो वो शेर हम सबका शिकार करेगा। मैं, जेठालाल, सोडी और डॉक्टर हाथी इस वक्त जो खुशियां मना रहे हैं वो जल्दी ही काफूर होने वाली है। अब क्या होगा, पहले तो हमारे पास एक प्लानिंग थी, लेकिन अब तो इस बेखबरी में भिड़े हमारी खबर ले लेगा, अब होगा क्या, अब तो हमें भगवान ही बचा सकता है दोस्तों। भगवान का दूसरा रूप है माँ। एक कहावत है, क्योंकि ईश्वर सब जगह नहीं हो सकता इसलिए उसने माँ बनाई। माँ एक अक्षर का मंत्र जिसके जपने से दुनिया भर की मुसीबतें दूर हो सकती। मुनव्वर राणा कहते हैं कि ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोली घर में उजाला हो गया। और इस रविवार को मदर्स डे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और यहाँ गोकुलधाम में होने वाला है बवाल ही बवाल, धमाल ही धमाल। भिड़े अब क्या करने वाला है, क्या करेगा वो आगे, मुझे लगता है क्रिकेट मैच में जितना रोमांच होता है उससे कहीं ज्यादा यहाँ होने वाला है। भिड़े अपना बाउंसर फेंकेगा और हम सब बोल्ड हो जाएंगे या फिर कुछ और होगा, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.